हेलो एवरीवन, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ टॉप 10 SUVs के बारे में जो कि इंडिया में लॉन्च होने वाली है 2022 में। इनमें से कुछ SUVs तो ऐसी है जिनके लॉन्च को लेकर लोग काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड है, बट दोस्तों ये लॉन्च नहीं हो रही है, इनका डिले होता जा रहा है लॉन्च टाइम। फाइनली ये 2022 में स्टार्टिंग में या फिर 2022 के मिड में लॉन्च होने वाली है इंडिया में, जिसके बारे में कुछ डिटेल आई है जिसे हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। इस वीडियो के लिस्ट में कुछ SUVs ऐसे हैं जिनका फेसलिफ्ट लॉन्च होने वाला है 2022 में, बट दोस्तों कुछ SUVs ऐसे हैं जिन्हें फुली न्यू प्लेटफॉर्म पे तैयार किया जा रहा है, जैसे कि महिंद्रा स्कॉर्पियो। इस वीडियो में हम आपको फुल डिटेल देंगे। दोस्तों वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल है, अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज़ दोस्तों लाइक जरूर कर दें। वीडियो को शुरू करने से पहले अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। दोस्तों शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। नंबर 10 पे आता है न्यू महिंद्रा स्कॉर्पियो। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं न्यू महिंद्रा स्कॉर्पियो के बारे में। इस गाड़ी का काफ़ी ज़्यादा समय से इंतजार किया जा रहा है इंडिया में, बट दोस्तों इसका लॉन्च डेट काफ़ी डिले होता जा रहा है, बट दोस्तों ये 2022 में फाइनली लॉन्च होने वाला है इंडिया में। न्यू महिंद्रा स्कॉर्पियो में भी आपको वही इंजन देखने को मिलेगा जो कि महिंद्रा XUV700 और महिंद्रा थार में देखने को मिलता है। दोस्तों ये इंजन काफ़ी पावरफुल है और कैपेबल भी है ऑफ रोडिंग के मामले में। दोस्तों इस इंजन में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया गया है। न्यू महिंद्रा स्कॉर्पियो की पिक्चर्स काफ़ी पहले लीक हो चुकी थी इंडिया में, जिसे देख के लोगों ने पहले ही अंदाज़ा लगा लिया था कि ये काफ़ी बड़ी और काफ़ी एग्रेसिव लुक के साथ आने वाली है इंडिया में। दोस्तों अब बात कर लेते हैं नंबर 9 पे आने वाले SUV के बारे में। दोस्तों नंबर 9 पे आता है Hyundai Tascon। ये Hyundai Tascon की फोर्थ जनरेशन है जो कि इंडिया में लॉन्च होने वाली है। Hyundai Tascon की फोर्थ जनरेशन इंटरनेशनल मार्केट में ऑलरेडी बेची जा रही है जो कि इंडिया में 2022 में लॉन्च होने वाली है। इस गाड़ी का लुक भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। दोस्तों ये एक बजट सेगमेंट में आने वाली SUV है। नंबर 8 पे आता है Hyundai Creta फेसलिफ्ट। दोस्तों Hyundai Creta इंडिया में पहले से ही काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है, इसकी सेलिंग रेट हमेशा सभी गाड़ियों से काफ़ी ज़्यादा आगे होती है। दोस्तों इसकी न्यू फेसलिफ्ट वर्जन काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव और ब्यूटीफुल लुक के साथ इंडिया में आने वाली है। न्यू फेसलिफ्ट में आपको फ्रंट में एक ब्यूटीफुल फ्रंट ग्रिल देखने को मिलता है जो कि इसके लुक को काफ़ी ज़्यादा इन्हेंस कर देते हैं। न्यू फेसलिफ्ट क्रेटा में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस किए गए हैं, जैसे कि इसमें आपको 10.25 इंच के बिग इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखने को मिलेगा जो कि काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है Hyundai Creta के सारे ग्राहकों को। नंबर 7 पे आता है मारुति सुजुकी एस्क्रॉस, जिसमें कि आपको 1.5 लीटर का इंजन देखने को मिलता है और इस गाड़ी को फुली न्यू प्लेटफॉर्म पे तैयार किया है। ये बिल्कुल भी वी क्रॉस से आगे है, इसकी लुक काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल है और दोस्तों ये भी लॉन्च होने वाली है 2022 में इंडिया में। अब बात कर लेते हैं नंबर 6 पे आने वाले SUV के बारे में। नंबर 6 पे आता है स्कोडा कोडिक। इसमें आपको दो इंजन ऑप्शन देखने को मिलते हैं, जैसे कि 2.0 लीटर का TDI डीजल इंजन और दूसरा है 2.0 लीटर TSI पेट्रोल इंजन। दोनों इंजन काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है और काफ़ी ज़्यादा बेस्ट भी है। दोस्तों ये भी कार भी लॉन्च होने वाली है इंडिया में 2022 में। दोस्तों नंबर 5 पे आता है जीप मेरिडन। ये भी फुली 7 सीटर न्यू SUV है, जिसमें कि आपको 2.0 लीटर का डीजल इंजन देखने को मिलता है और दोस्तों ये काफ़ी ज़्यादा कैपेबल है ऑफ रोडिंग के मामले में। वैसे दोस्तों जीप की हर गाड़ियाँ काफ़ी ज़्यादा कैपेबल होती है ऑफ रोडिंग के मामले में, और दोस्तों ये जीप कंपास की 7 सीटर वर्जन होने वाली है इंडिया में जो कि लॉन्च होगी 2022। दोस्तों नंबर 4 पे आता है सीट्रॉन C3। दोस्तों ये न्यू कंपनी आई है इंडिया में, जिसे कि काफ़ी ज़्यादा पसंद किया जा रहा है इंडिया में। इसमें आपको 1.2 लीटर टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन देखने को मिलता है जो कि मैनुअल गेयरबॉक्स के साथ आता है। इसमें आपको ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन भी देखने को मिलता है। दोस्तों नंबर 3 पे आता है मारुति सुजुकी जिम्नी। इसका भी काफ़ी समय से इंतजार किया जा रहा है इंडिया में, बट दोस्तों ये फाइनली 2022 में इंडिया में लॉन्च होने वाली है। मारुति सुजुकी फुली 4x4 होने वाली है, जिसमें कि आपको 1.5 लीटर का पेट्रोल इंजन देखने को मिलता है। ये 5-डोर ऑप्शन के साथ आने वाली है इंडिया में, क्योंकि दोस्तों इंडिया में पहले से ही महिंद्रा थार को काफ़ी ज़्यादा पसंद किया जा रहा है और सुजुकी जिम्नी के लॉन्च होने के बाद सुजुकी जिम्नी महिंद्रा थार को काफ़ी तगड़ा टक्कर दे सकती है। ये एक बड़ा कॉम्पिटिटर बन सकती है महिंद्रा थार की। दोस्तों नंबर 2 पे आता है टाटा पंच टर्बो। कुछ दिन पहले ही इंडिया में टाटा पंच को लॉन्च किया गया था, अब टाटा पंच टर्बो को इंडिया में लॉन्च किया जा सकता है। दोस्तों इस गाड़ी में आपको 1.2 लीटर का पेट्रोल इंजन देखने को मिलेगा और ये पेट्रोल इंजन 5-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स के साथ आने वाली है इंडिया में। वैसे दोस्तों टाटा पंच को भी काफ़ी ज़्यादा पसंद किया जा रहा है इंडिया में और ये भी एक बेस्ट SUV बन सकती है इंडिया की। फाइनली दोस्तों नंबर 1 पे आता है मारुति सुजुकी विटारा ब्रेजा। दोस्तों ये भी काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर SUV है इंडिया में, इसे काफ़ी ज़्यादा पसंद किया जाता है और इसका फेसलिफ्ट आने वाला है इंडिया में। दोस्तों इसमें आपको 1.5 लीटर का पेट्रोल इंजन देखने को मिलेगा जो कि 6-स्पीड गियरबॉक्स के साथ आने वाली है इंडिया में। इसकी लुक को काफ़ी ज़्यादा इन्हेंस कर दिया गया है। दोस्तों सुजुकी विटारा ब्रेजा न्यू मस्कुलर लुक के साथ इंडिया में लॉन्च होने वाली है 2022 में। तो दोस्तों वीडियो में आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ दोस्तों लाइक जरूर कर दे और अपने चैनल को भी सब्सक्राइब कर दे। अगर आपके पास भी कोई टॉपिक हो तो कमेंट में लिख के जरूर बताइएगा, हम उसके ऊपर भी वीडियो बनाएंगे।